हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिटी नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी लोशन के बारे में बताऊंगी आपको, जो कि आपके लिए समर्स में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी और आपकी स्किन की भी जो भी ड्राइनेस होती है वो बहुत उसको रिमूव करके आपकी स्किन को स्मूथ, मॉइस्चराइज और सॉफ्ट कर देगी। तो आज हम एक लोशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज बेस्ट फॉर द समर्स और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज जिस लोशन की मैं बात करूंगी, दैट इज दिस वैसलीन। सो आज हम इस लोशन की बात करेंगे। ये एलो बेस्ड मतलब क्रीम लोशन है, एलोवेरा इसमें है और एलोवेरा हमारे स्किन के लिए आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल होता है और ये हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट और जो भी कोई भी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, कोई भी प्रॉब्लम स्किन की होती है उसको ये रिमूव कर देता है। तो एलोवेरा हमारे स्किन के लिए एक बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, कह लीजिए वरदान है। और मतलब हर कोई एलोवेरा मतलब अगर मुश्किल से मुश्किल भी स्किन प्रॉब्लम होती है उसको ये ट्रीट कर देता है। तो ये एलो बेस्ड एलोवेरा बेस्ड मींस लोशन है, आप इसको खरीद सकते हैं और ये समर्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप समर्स में इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और रिफ्रेशिंग लगेगी और जो इसकी स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है और इसको लगाने से मतलब एकदम खिली खिली आपकी स्किन हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे इस वैसलीन एलो फ्रेश लोशन की। सो ये इंटेंसिव केयर है, मतलब ये क्रीम, ये जो क्रीम है, लोशन है, ये इंस्टेंटली एब्जॉर्ब करती है आपकी स्किन में डीप लेयर, मीन्स 5 deep layers, मतलब एकदम स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी लाइक अ बेबी स्किन। सो दिस इज वेरी गुड लोशन और ये एकदम नॉन स्टिकी है, इसमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं है। अगर आप इसको अपने स्किन में लगाएंगे तो ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाती है, आपको कोई भी चिपचिपाहट नहीं लगेगी। तो जिनको नॉन स्टिकी लोशन चाहिए वो इस लोशन को ट्राई कर सकते हैं। सो मैंने इसको कई बार ट्राई किया है और मुझे ये लोशन बहुत अच्छा लगा है। सो मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करूँ और ताकि वो भी इसको यूज़ करें और इसका पूरी तरह से बेनिफिट लें और अपने स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएं। सो ये जो वैसलीन की बॉटल है ये 400 ml की बॉटल है और ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाती है, किसी भी मॉल में भी मिल जाती है, लाइक यू कैन परचेज, और अगर आप चाहिए तो ऑनलाइन भी इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये ओनली 345 rupees की है, सो काफ़ी रीजनेबल और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इतने कम रेंज में इतनी बड़ी बॉटल आपको मिल जा रही है इस लोशन की और इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि ये मॉइस्चराइज करती है टू रिस्टोर द ड्राई स्किन, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया ही है, और ये 5 layers डीप एब्जॉर्प्शन है इसमें, मतलब आपकी स्किन को एकदम डीपली काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्मूथ बना देगी। और ये एकदम फेदर लाइट फॉर्मूला है, मतलब जैसे मैंने बताया ये क्रीम बहुत लाइट है, एकदम नॉन स्टिकी नहीं है। तो इसको इन्होंने कहा है कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ मीन्स अपना डिफाइन किया है कि ये फेदर लाइट फॉर्मूला बेस्ड क्रीम है, मीन्स लोशन है। तो ये काफ़ी अच्छी है, आप इसको एज अ बॉडी लोशन या एज अ क्रीम बोथ यूज़ कर सकते हैं समर्स में। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि कैसा है, मैं डेमो करके दिखाती हूँ। अपने हैंड पे मैंने ये थोड़ी सी क्रीम निकाली, आप देखिए कितनी ये सॉफ्ट है, लाइक अ बेबी लोशन। और इसको मैं अब लगा के दिखाऊंगी अपने फेस पे, ये देखिए मैं इस तरह इसको अपने स्किन पे डॉट डॉट करके लगा ले रही हूँ और स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं इसको पूरे अपने फेस पे ऐसे रब कर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी सॉफ्ट और शाइनी लगेगी इस लोशन को यूज़ करने के बाद। इसके बाद मैं इसको अपने हैंड्स पे भी ऐसे लगा ले रही हूँ। सो ये काफ़ी अब इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मतलब कोई भी इरिटेशन नहीं है और इसको आप रेगुलर डेली यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आफ्टर बाथ या बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो। रात में आप इसको अपने नाइट रूटीन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपने समर्स आ रही है, फेस वॉश करने के बाद अपने स्किन को इस लोशन से मॉइस्चराइज कर लिया। तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड और ये क्रीम मुझे मीन्स लोशन बहुत अच्छी लगी। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और मेरी तरफ से इसको मीन्स 5 out of 5। तो आप भी इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लोशन कैसे लगा। सो मेरी तरफ से ये बेस्ट लोशन है समर्स के लिए
और ये एलो बेस्ड है, जिसको जिनको एलोवेरा पसंद है अपने स्किन के लिए वो इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और क्या कहें, सो इट इज़ वेरी गुड। तो आप इसको ट्राई करिएगा और फटाफट मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पूरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इसी तरह मेरा चैनल ग्रो करे और भी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और नए वीडियोस लाती रहूँ। सो कल फ्रेंड मैं आपको एक नेल आर्ट पे वीडियो बताने वाली हूँ, सो बिल्कुल मेरा वीडियो देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन वॉच मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग न्यू अपडेट्स। सो और मेरा जिन्होंने ब्लॉग भी नहीं देखा है फ्लावर शो का, आज लास्ट डे है फ्लावर शो का, सो जो अभी तक नहीं गए हैं वो चले जाएं। लोकलाइट्स हैं जो प्रयागराज में रहते हैं वो विजिट करें फ्लावर शो को, आज रात तक रहेगा। और जिन्होंने जो नहीं देख पाए या नहीं जा पा रहे वो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं फ्लावर शो का, सो मेरे चैनल पे है प्रीति नेहा चैनल पे, सो यू कैन वॉच इट। और प्लीज़ मैंने कहा है जिन्होंने जो मेरे वीडियो पे पहले कमेंट करता है उसका नाम मैं यहाँ नीचे डिस्प्ले करती हूँ, सो फटाफट वीडियो देखिएगा और बिल्कुल कमेंट करिएगा, ताकि सबसे पहले ताकि आपका नाम भी मेरे वीडियो में नीचे डिस्प्ले हो। तो जिन्होंने कल मेरे वीडियो पे मतलब कमेंट पे सबसे पहले कमेंट किया है कमेंट सेक्शन बॉक्स पे, उनका नाम यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो को और चैनल्स को ग्रो करते रहिए। तो कल मिलते हैं फिर नेल आर्ट की वीडियो के साथ। बाय।